हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इंडस्ट्री में चल रहे नेपोटिज्म को लेकर विवाद तेजी से बढ़ रहा है। इस विवाद में फिल्म मेकर करण जौहर से लेकर सलमान खान और आलिया भट्ट को भी घेरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग केआरके यानी कि कमाल रशीद खान को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में अब एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई शम सिद्दीकी ने भी केआरके पर भड़ास निकाली है। उन्होंने केआरके के लिए अपने ट्वीट में ब्लैकमेलर शब्द का इस्तेमाल करते हुए लिखा, दुनिया का सबसे घटिया इंसान है ये ब्लैकमेलर, गिरफ्तार करो इसे। तो शम सिद्दीकी ने अपने पोस्ट में दुबई पुलिस तक को टैग कर रखा है और ऐसे में अब केआरके की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। आपको याद दिला दें कि सुशांत की मौत के बाद केआरके का एक पुराना वीडियो सामने आया था, जिसमें केआरके ने सुशांत सिंह की एक्टिंग की बुराई की थी और नेगेटिव रिव्यूज दिए थे। वीडियो के वायरल होने के बस कुछ देर बाद ही बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों ने केआरके को निशाने पर ले लिया। पहले मनोज बाजपेयी ने लोगों से केआरके को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करने की अपील की और फिर फिल्म मेकर हंसल मेहता ने केआरके को चेताया कि उनके साथ बदसलूकी करने की गलती ना करें। वहीं मिलाप जवेरी ने भी केआरके का केदारनाथ का रिव्यू करते हुए लिखा था, फ्रॉड केआरके का असली चेहरा है, आज वो अपने झूठे आंसुओं से फायदा उठाना चाह रहा है। आपको बताते चले कि इस वक्त केआरके सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। लोगों ने केआरके को बायकॉट करने की मांग छेड़ दी है।